नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है। सुनिए भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दिशा निर्देश अनुसार सुनिए भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता छोटे छोटे जन चौपाल के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुभाषपा द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के ग्राम हरिदासपुर में ब्लॉक चोलापुर की मीटिंग संपन्न हुई। इसके मुख्य अतिथि सुमित राजभर जिला उपाध्यक्ष वाराणसी उपस्थित रहे और अध्यक्ष सुरेश राजभर ब्लॉक अध्यक्ष चोलापुर। आपको बता दें कि मीटिंग में राम प्रताप मौर्य मंडल उपाध्यक्ष, उर्मिला राजभर जी जिला प्रभारी महिला मंच और साथ ही समस्त सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकर्तागण एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दिशा अनुसार जन चौपाल के माध्यम से 2022 में बीजेपी को हराने की रणनीति बनाई जा रही है। हम आपको बता दें कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की अगुवाई में 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए राजभर तक। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। आप शिक्षित नहीं हो, इसलिए आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं। कोई भी बरगरा देता है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। शिक्षा फ्री रहेगी तो आपका कल्याण होगा। अब साथियों, शिक्षा आप पा गए, अब उसके बाद नौकरी कैसे लगेगी? इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है, जिसका वजह से माननीय नेता जी इस्तीफा दिए। गांव गांव तक शायद ये संदेश नहीं गया, ये तो गया कि भाई इस्तीफा दिए, पर किस लिए दिए ये शायद नहीं पहुंचा। मेन कारण यही था कि वो जो न्याय समिति की जो रिपोर्ट थी, उसमें पिछड़े समाज का आरक्षण का डिवाइड होता क्या था कि जब बड़े बड़े जो बिरादरियां हैं वो पैसा लेके पहुंच जाती थी, आपकी सीट पे सिपाही दरोगा कलेक्टर चपरासी वो बन जाते थे, आपका बच्चा नहीं हो पाता था। तो साथियों, माननीय ओम प्रकाश राजभर चाहते थे जो जो पिछड़े समाज के, वंचित समाज के हैं, जो छोटी बिरादरियां हैं, जिनके बच्चे अभी भी नौकरी में नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ लिख के अगर कुछ पढ़े भी हैं तो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उनको भी नौकरी रोजगार मिले, इसलिए वो आरक्षण का बंटवारा चाहते थे। उससे बंटवारा हो जाता तो तीन कैटेगरी बन जाती, 9%, 11% और 7%। इससे क्या होता कि आपकी सीट रिजर्व रहती, आप कम नंबर पर भी आपका बच्चा जो है सफाई करवा सकते, तहसील में हो जाता, सिंचाई विभाग में हो जाता, तो आपके घर की भी तरक्की हो जाती। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर चाहते थे। वो फाइल योगी जी के मेज पे पड़ी रही, नेताजी इतना लड़ाई किए सरकार में रहते हुए, लेकिन वो कहे कि नहीं, ये हम कर देंगे, ये हम कर देंगे, तब तो ये लोग पैसे वाले हो जाएंगे, ये सब हमारे बराबर हो जाएंगे, हमारे हैसियत के हो जाएंगे, उनका भी स्तर उठ जाएगा, तो हमको इनको सम्मान देना पड़ेगा, फिर हम इनको छुटिया नहीं बना पाएंगे, ये तो बुद्धि वाले हो जाएंगे, ये तो हम कभी होने नहीं देंगे। इसी बात पे नेताजी जो कहे कि जब आप मेरी शर्त जो थी, जब आप मेरे हक अधिकार हमारे समाज को आप नहीं दे सकते, तो मैं यहाँ से बैठ के सत्ता का मलाई काटूंगा, तो मेरा समाज पिछड़े समाज के लोग गाली देंगे, मंत्री बन गया और हमको छोड़ दिया, हमने मलाई काट रहा है और हम यही कर रहे हैं। मोदी योगी सरकार बना देंगे, माननीय
जय जय सुहेल देव या बिना से।